वार्ड नंबर 5 में इस समय हम मौजूद हैं। हमारे बीच में यहाँ पर एक दुकान पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर कपड़े दर्जी का काम होता है। हमारे बीच में एक माताजी हैं। माताजी, यहाँ पर किस किस मुद्दों पर या कहा जाए किस किस चीज़ों से आप सामना करते हैं सोना शहर में, जो कि काम सरकार ने नहीं करा पाए? बिजली पानी की तो भाई इतनी यहाँ है ना, बिजली बहुत कट रही है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए। बिजली की समस्या कब से चल रही है सर? यहाँ कम से कम 3-4 साल हो गए हैं यही समस्या है। पानी के साफ सुथरा नहीं, पानी बिल्कुल साफ नहीं है। जो वाटर सप्लाई लग रही है वो इतना गंदा पानी आ रहा है, झाग झाग से बन रहा है। तो क्या लग रहा है, आप इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है बीजेपी के सामने, आपको क्या लगता है इस बार आप किसको वोट करेंगे? हम आम आदमी को करेंगे तो हमारा बढ़िया काम करेंगे, कोई वोट करेंगे तो बढ़िया काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। सुनीता भारद्वाज का कहना है कि हमने पिछली पार्टी से जो विश्वास किया था कि जो हमें काम करके देगी, हमने उस पार्टी को बनाया, परंतु उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हुए। अब उनका कहना है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सफाई को लेकर ये हर जगह मुद्दा उठ रहा है, खासकर बिजली का, जो कि बिजली की बात पूरे प्रदेश के अंदर आज त्राइमाम त्राइमाम जनता मचाए हुए है, त्रस्त है, परेशान है। वो काफ़ी समय से 4-5 साल से यहाँ पर बिजली इन्हें नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। आज हम सोना में पहुँचे हैं जहाँ पर नगर परिषद का चुनाव जोरों पर है, तमाम पार्टियाँ मैदान में हैं। टक्कर किसकी होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जीत किसकी होगी यह भी नहीं कहा जा सकता। आम आदमी पार्टी अपनी ताकत लगा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ललिता रानी को उतारा है चेयरमैन पद के लिए। देखना होगा कि जीत किन किन मुद्दों पर लेकर वो लड़ेंगी, तब उनको जीत हासिल होगी, यह भविष्य की बात है। पर उनके मुद्दे क्या हैं, हमारे बीच में ललिता मौजूद है। ललिता जी, आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप मैदान में हैं और आप दम भी भर रहे हैं? आपने पिछली बार भी कहा कि हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सर, जैसे कि मैंने देखा है दिनचर की जो भी नीतियाँ हैं पानी, स्वास्थ्य, बिजली को लेकर, उन्हीं से मैंने प्रभावित होकर उनका आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे टिकट दिया। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे इतने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं है, नालियों में इतनी गंदगी है। तो सर, अगर सोनावासियों ने मुझे मौका दिया तो मैं इस तरीके की गंदगी नहीं होने दूँगी, पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था कराई है। गाय को लेकर मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी में फंसी आई है, तो क्या लगता है यहाँ गाय भी कूड़ा खा रही है, क्या कहते हैं इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? सर, गौशाला में गाय का होना ज़्यादा मैं ठीक समझती हूँ। जैसे कि सर कोशिश करेंगे कि गौशाला में गायों को पहुँचाया जाए, उनको चारे की व्यवस्था कराई जाए ताकि वो कूड़ा ना खा के उनका स्वास्थ्य ठीक से मतलब कराया जाए। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है डोर टू डोर कैंपेन से आपको क्या लोग से आश्वासन मिल रहा है, क्या आगे की लोग कह रहे हैं कि आपको वोट देंगे, आपको कैसा माहौल लग रहा है? सर, जैसे कि मैं यूथ हूँ, मेरे साथ बहुत यूथ जुड़ा है, सभी यूथ ने मुझे आश्वासन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। सर, बुजुर्ग माताएं महिलाएं भी मेरे बहुत साथ हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की जीत हो, पर लेकिन लोगों का कहना है आपके सामने टक्कर है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या लगता है आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देके आप जीत पाएंगे? जी सर, बिल्कुल जीत पाऊंगी। सर, अभी प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी सर इतना कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है कि सर मेरे जब मैं बन जाऊंगी सर विकास नहीं है बिल्कुल भी। सर, अगर सोनावासियों ने मेरा साथ दिया तो सर इस तरीके का ढेर देखने को आपको नहीं मिलेगा। पूरा प्रयास करूंगी साफ सफाई की व्यवस्था का, और सर ये जो पानी इतनी गंदगी से आ रहा है उसको पूरा ध्यान दें। डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी का जोरों पर है। गुड़गांव जिले से भी जगह जगह से लोग बाग सोना के अंदर पहुंच रहे हैं, लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव चुन झाड़ू पर अपना वोट, महत्वपूर्ण वोट उस पर डालें। हमारे बीच में गुड़गांव से सुशीला कटारिया पहुंचे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, क्या चल रहा है? लोग सब भाजपा से परेशान हो चुके हैं और वो लोग एक नई सरकार की चाहत रखते हैं और उनमें क्या कहते हैं अरविंद जी का चेहरा नजर आता है। वो जिनसे भी बात करते हैं तो वो सभी अपनी समस्याएं बताते हैं, या नाली गंदी है, स्कूल अच्छे नहीं है। भाजपा से परेशान है क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने कहीं पर भी कोई विकास नहीं किया, विकास के नाम पर अपनी सरकार विकास के नाम सर हम दिखाई दे रहे थे, कूड़े के ढेर है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, गाय के नाम से उन्होंने वोट मांग ली, गाय का कूड़ा खा रही, चारों तरफ हर जगह आवाज है, स्वास्थ्य, पानी और सफाई, ये
इसकी मांग हर दुकानदार कर रहा है, हर गांव वासी कर रहा है, मतलब जो सोना के अंदर निवासी है, जो यहाँ के प्रवासी लोग, उनका सबकी डिमांड। क्या लगता है आपको, क्या ये मुद्दे खास होने चाहिए? बिल्कुल खास होने चाहिए। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और ये काम करती है अपनी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली, पानी, जो जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जो सीवर लाइन खुली हुई है, यहाँ पे जगह जगह कूड़े इकट्ठे हो रखे हैं। तो सरकार हमारी आम आदमी पार्टी काम करती है साफ सफाई वगैरह। जी, आप कहाँ से आए? गुड़गांव से। क्या लग रहा है आप यहाँ कैंपेन में? मैं समाज से सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कैंडिडेट्स है वो पढ़ी लिखी कैंडिडेट्स है। आज से पहले बीजेपी कांग्रेस में जिन भी लोगों को टिकट दी जाती थी या तो वो चोर होते थे, वो चक्के होते थे, रेपिस्ट होते थे। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसके मैक्सिमम कैंडिडेट्स पढ़े लिखे, और अगर पढ़ा लिखा कैंडिडेट पॉलिटिक्स में आएगा तो वो समाज के लिए अच्छे कार्य करेगा। पढ़ा लिखा आएगा, काम करेगा, क्षेत्र में काम करेगा, लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। यहाँ क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो अब आम आदमी पार्टी है इसमें इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। ये जैसे कि बेटी को टिकट मिली यहाँ पे, इनके पापा का भी नाम है, मैंने घूम के देखा अभी, और पार्टी का भी नाम है, और अरविंद केजरीवाल के नाम से भी वोट मिली, और ये बेटी मेरे को लगता है जीत भाजपा है आपकी टक्कर में? नहीं, अब की बार तो कोई टक्कर में नहीं जीती है, यही जीती। क्या लग रहा है युवाओं का क्या रिस्पॉन्स है कि इस बार आप ललिता को वोट करेंगे? मैं सोना में ऐसे हम तो खड़ी हुई है, पहली बार ललिता जी खड़ी हुई है, इसलिए हम हाथ दे रहे हैं, क्योंकि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ये सपोर्टेड हुई, और जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड हुई कि जो ये पूरी करेगी जब ये खड़ी होगी, और ये विश्वास है कि डेफिनेटली ये खड़ी होगी 100%। और ये आम जनता पार्टी है केजरीवाल की तरफ से, और केजरीवाल की जितनी भी सुविधाएं दिल्ली में वो सोना में भी लागू हुई। देखो जी, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, बीजेपी से मतलब नहीं, या हमें किसी आपकी पार्टी से किससे मतलब नहीं, लेकिन हमारा जोहर भाई की बेटी है, ये अगर किसी भी चीज आजाद में लड़ेगी तो भी जीती पड़ेगी, तब भी जीती पड़ेगी, गारंटी है, लिखवा लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिन सरदार। साबिन सरदार जी का कहना है, सोना के प्रवासी हैं, यहाँ रहते हैं, और इनके बीच में जो ललिता खड़ी हुई है जो चुनाव के लिए, इनका कहना है कि हमारा संबंध जवाहर से है और पार्टी से नहीं, पार्टी से जीतेंगे, जीत इस बार बिल्कुल जीते पड़ेंगे, जीतने की इनकी पूरी संभावना है, ऐसा उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी का विकास सोना के अंदर, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि विकास देखना है तो आपको सोना आना पड़ेगा। हम भी गुड़गांव से सोना पहुँचे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि विकास के नाम पर, गाय के नाम पर हर जगह ये चलता है मुद्दा। धर्म की राजनीति करने वाले, जात की राजनीति करने वाले बोल नेता इस समय कहाँ चले जाते हैं जो गौ माता पर राजनीति करते हैं। आप देख सकते हैं कचरा खा रही गाय, गाय इस समय कचरा खा रही है, साथ में ही बंदर भी यहाँ आप देखेंगे वो भी कचरा खाने को मजबूर है। परंतु इस चीज को सोचना होगा नगर निगम के अधिकारियों को कि इस प्रकार से जो कचरा फैली हुई है, व्यवस्था यहाँ पर खराब है, उसको कैसे सुधारा जाएगा। इन्हीं सब बातों, इन मुद्दों के साथ में ललिता ने कहा कि हम इन्हीं मुद्दों को लेकर अपने सोना को सुंदर बनाएंगे, शहर को स्मार्ट बनाएंगे, जिससे कि इस प्रकार की समस्याएं हमारे शहर में ना हों।